मेरा सवाल है कि मैं ना यहाँ सऊदी में जॉब करता हूँ। तो जो मेरा जी इंटरव्यू यहाँ पे हुआ था, आवाज आ रही है ना मेरी? सिर्फ हाँ, आ रही आ रही है। जो जो सिर्फ मेरा जब यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था यहाँ पे आने के लिए, तो 8 घंटे की ड्यूटी बताई गई थी और 1 घंटा था ये नमाज के लिए। तो मुझे पता नहीं था कि मतलब नमाज यहाँ पे मस्जिद में पढ़ने के लिए नहीं दिया जाएगा, मतलब जॉब जहाँ पे करते हो वहीं पे नमाज पढ़ेंगे आप। तो मुझे पता नहीं था, यहाँ पे आके पता चला। तो अब मैं क्या करूँ? मतलब मेरा दिल करता है कि मैं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूँ, बट वो मुझे इजाजत मिलती नहीं है। तो मैं इसके ऊपर क्या करूँ? मतलब वापस चला हाँ जाऊँ मैं जी, इंडिया, या कि क्या करूँ? एक एक बात बताइए कि जहां पे आप काम करते हैं वहां पे मस्जिद है? है मस्जिद लेकिन थोड़ा सा दूर है, मतलब कि 7 से 8 मिनट की दूरी में है। यानी वहां 7 से 8 मिनट, कितना दूर होगा तकरीबन? यानी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 7 8 मिनट का मतलब, तो गाड़ी से सऊदीया में 7 8 मिनट का मतलब 4 5 किलोमीटर भी हो सकता है। उतना जी नहीं है, उसमें पैदल पैदल की बात बता रहा हूँ, 1 किलोमीटर के आसपास है, 1 किलोमीटर पूरा। देखिए, और आपके जहां आप कंपनी में काम करते हैं, क्या वहां इतने लोग होते हैं कि वो जमात बना करके नमाज पढ़ सकते हैं? क्योंकि सऊदिया में मुझे नहीं, मालूम है बेशतर कंपनियों में, सबकी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन बेशतर कंपनियों में जहां लोगों का जमघटा होता है, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, तो वहां कंपनियों में मुसल्ला बना होता है, और बाकायदा 5 वक्त की नमाज में लोग, सारे लोग इकट्ठा होकर के वहां नमाज पढ़ते हैं, मुसल्ला होता है। तो क्या वहां जी मुसल्ला का इंतजाम नहीं है आपकी कंपनी में? नहीं है, ऐसे ऐसे है ही नहीं। यहाँ पर दो दो जन हैं, वो भी उन दोनों की टाइमिंग अलग अलग है, पहले एक पड़ेगा फिर एक पड़ेगा, इस तरह से। देखिए, अगर मस्जिद अगर ये सारी तफसीलात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि क्या मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या मस्जिद में जी आपका हाजिर होना जरूरी है? क्या आपके हालात ऐसे हैं? अगर मस्जिद करीब है मतलब वहां पे अजान होती है तो आपको आवाज आती है, अगर इतनी दूर मस्जिद है तब मस्जिद जी में जाकर के नमाज पढ़ना वाजिब होता है, या तो फिर आपके पास भी कोई मस्जिद हो जहां आप नमाज पढ़ लिया करें, या मस्जिद अगर इतनी दूरी पर है कि वहां की अजान की आवाज आपको आती है तो मस्जिद में हाजिर होना जरूरी होता है आपके लिए। लेकिन जी मस्जिद की आवाज किस तरह से? माइक से नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने उम्मे मक्तूम से क्या पूछा था कि क्या, जब उन्होंने पूछा कि मैं एक नाबीना शख्स हूं तो क्या मैं जो है घर में नमाज पढ़ लिया करूं, अल्लाह के नबी ने जी पहले इजाजत दे दिया, फिर आपने उनको बुलाया, कहा क्या अजान सुनते हो? उन्होंने कहा हाँ सुनता हूं, तो कहा फिर नहीं मस्जिद में आओ। तो गोया कि मस्जिद में जाकर के जमात के साथ नमाज पढ़ना उस आदमी के लिए जरूरी है जो अजान, जहां तक अजान पहुंचती हो, क्योंकि आपने पहले अजान के बारे में पूछा, अजान सुनते हो? तो अगर आपकी जी मस्जिद इतनी दूरी पर है कि वहां से अजान की आवाज आती है, आ सकती है, तो मस्जिद में आपका जाना जरूरी है। बाकी आपका ये कहना कि मैं क्या करूं, क्या मैं काम छोड़ दूं, या कंपनी ने अगर आपसे जो एग्रीमेंट किया था उसकी मुखालफत कर रही है, तो जाहिर है अगर कंपनी उसकी मुखालफत कर रही है तो गलत कर रही है। और सऊदिया में बेशतर जगहों पर जो हालात ये हैं कि नमाज के लिए बाकायदा वर्कर्स को छुट्टी दी जाती है, या जी तो वहां पे नमाज का कोई इंतजाम होता है मुसल्ला वगैरह, या छुट्टी दी जाती है, 10 20 मिनट का जो है ब्रेक लिया जाता है, लोग नमाज पढ़ के आते हैं, बल्कि बेशतर जगहों पर तो उस वक्त काम भी बंद कर दिया जाता है। तो अगर कंपनी ने आपके साथ जो एग्रीमेंट किया था उसकी मुखालफत किया है, तो फिर आपकी मर्जी है, आप छोड़ भी सकते हैं, और आप उनसे मुतालबा भी कर सकते हैं कि भाई नमाज का जब वक्त हो तो मुझे छुट्टी दे दिया करें, जी मैं जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ लूं, या अगर मस्जिद इतनी दूर है कि वहां जाना मेरा जरूरी नहीं है तो कम से कम मैं यहीं इत्मीनान से नमाज पढ़ लिया करूं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि हम दो टोक में आपको नहीं बता सकते, आप ये कर लो। अब आप ये देख लीजिए कि क्या मस्जिद इतनी दूरी पर है जहां से अजान की आवाज आपको आएगी बगैर माइक के, तो मस्जिद में हाजिर होना आपका जरूरी है। और अगर मस्जिद दूर है, जैसे लाउड स्पीकर से तो 2 3 किलोमीटर भी आवाज जा सकती है, तो जरूरी वहां पे नहीं हम कहेंगे कि नहीं अब मस्जिद ही में आपका जाना, आप जहां पे हैं वहां पे पढ़ना जरूरी है। अगर अकेले हैं तो अकेले, अगर कई लोग हैं तो जमात बना करके, मान लीजिए आप दो लोग हैं, जी दो लोग हैं तो दो लोग जमात बना करके नमाज पढ़ें।